इस तरह की भीड़ यहाँ पे आज हो रखी है। देख रहे हैं पूरे घाट हाउसफुल हो रखे हैं। हाय दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे। देख रहे हैं घाट कितनी ज़्यादा फुल है। और आज तारीख है, आपको हम बता दें 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल, और घाट पूरी तरह से हाउसफुल आपको नज़र आ रहे होंगे। आज ऐसे तो हनुमान जन्मोत्सव है, और हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धालु गंगा जी में डुबकी लगाने आए हैं। और अभी हम पूछेंगे पंडित जी से कि और आज कौन सा पर्व है, क्योंकि घाटों में जब भीड़ होता है ऐसे तो अब आपको पूरे हफ्ते उस तरह का भीड़ देखने को मिलेगा, और पूरे हफ्ते खास तौर पर संडे को तो और भी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलने वाला है। चलते हैं हर की पैड़ी की ओर। हर की पैड़ी की जो दूरी है यहाँ से 100 मीटर है। ये जो ब्रिज में लोगों की संख्या जा रही है, ये सीधे ऋषिकेश बाईपास की ओर जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और रेडीवाला पार्किंग है, दो की दोनों ही प्रमुख पार्किंग है घाट के पास। देख रहे हैं लोगों की संख्या घाटों में कितनी ज़्यादा है। अब इधर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ते जाएगा। देख रहे हैं ये है नई घाट। देख रहे हैं यहाँ पे कितने भारी संख्या में लोग, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गंगा जी के आशीर्वाद लेने के बाद चले भी गए हैं, और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। वहाँ पे आप देखेंगे ऐसे किया जा रहा है नई घाट पे। नई घाट पे चेंजिंग रूम केवल 3 है, ये देख रहे हैं यहाँ पे 3 चेंजिंग रूम है, और सबसे अच्छा चेंजिंग रूम कहाँ पे ये भी हम आपको बताएंगे। पूरे घाट फुल हो रखे हैं। देख रहे हैं भीड़ यहाँ पे भी पूजा पाठ किया जा रहा है। सामने आपको धनुष ब्रिज दिखाई देगा, यहीं पे ही थोड़ा छांव का ऑप्शन आपको मिलता है, लोग इसके नीचे बैठे होते हैं। जैसे हम अर्की पैड़ी के पास जाएंगे भीड़ और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ये आ चुका है अर्की पैड़ी। यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ आप देखेंगे कितनी ज़्यादा है। ऐसे तो अब जो भीड़ है वो आपको पूरे हफ्ते या पूरे महीने देखने को मिलेगा, और कोई बड़ा स्नान हो जाए या फिर रविवार हो जाए तो और भी ज़्यादा भीड़ होता है घाटों पे। देख रहे हैं इधर से लोग आ रहे हैं संजय सेतु, इधर से जो लोग आ रहे हैं वो अपर और मार्केट से होके आ रहे हैं। अब आप गंगा घाट देखेंगे, पूरे लोग स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में आशीर्वाद ले रहे हैं। देख रहे हैं गंगा जी की धारा आज कम है, तो लोगों की जो भीड़ है गंगा जी की तेज धारा में उतर चुकी है। देख रहे हैं और सुबह के 8 बजे हैं, अभी 8:15 हुए हैं। देख रहे हैं और लोगों की भारी संख्या गंगा जी में स्नान करने के लिए उतर चुकी हैं। अभी हम आ चुके हैं संजय सेतु में, जो कि प्रमुख सेतु है हर की पैड़ी में प्रवेश करने का। हर की पैड़ी में दूसरे किनारे में हम प्रवेश करते हैं यहाँ से, और नई घाट का दृश्य देख रहे हैं। ऐसे तो आपको सारे घाट में श्रद्धालु नज़र आएंगे स्नान करते हुए, भीड़ नज़र आएगा। देख रहे हैं आप, अभी हम चलेंगे मार्केट की ओर और संजय सेतु से आपको हर की पैड़ी का दृश्य दिखाते हैं।
किस तरह की भीड़ यहाँ पे आज हो रखी है। देख रहे हैं पूरे घाट हाउसफुल हो रखे हैं। घाटों के ऊपर आप देख रहे हैं श्रद्धालु संख्या कितनी ज़्यादा है, और घाटों के अंदर यानी जल के अंदर भी आप देख रहे हैं श्रद्धालु की भारी संख्या उमड़ चुकी है। इतनी ज़्यादा भीड़ आपको आज नज़र आ रही होंगी, चाहे इधर की बात कहें या फिर हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड की बात कहें। देख रहे हैं पूरे वो श्रद्धालु ही स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। उतनी ही भारी संख्या में सब लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए। देख रहे हैं रास्ते आज आगे से ही बंद कर दिए जाते हैं जब भीड़ ज़्यादा होता है, तो देखते हैं आज रास्ते बंद है कि खुला है, वो सामने जाने के बाद पता चलेगा। देख रहे हैं अभी भी लोगों की संख्या आ रही है भारी संख्या में, घाट में भीड़ और भी बढ़ने वाला है। इधर से आप जाएंगे तो प्रमुख घाट ब्रह्मकुंड की ओर जाएंगे, जहाँ पे स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है, और चप्पल जूता रखने के लिए यहाँ पे स्टैंड बना हुआ है। देख रहे हैं जहाँ पे भीड़ है काफ़ी ज़्यादा चप्पल जूता रखने के लिए। यह है प्रमुख द्वार हर की पैड़ी में प्रवेश करने का, और इधर केवल चप्पल जूता बाहर निकाल के ही जाया जाता है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और यह है मोती बाज़ार जाने का मार्ग, इस मार्ग में जाते हैं तो आपको रहने खाने शॉपिंग का ऑप्शन मिल जाते हैं अच्छे खासे, और ये वाली मार्ग इस मार्ग से तो आप अधिकतर आते ही हैं, क्योंकि इस मार्ग में अपर रोड मनसा देवी और रोडवे रेलवे स्टेशन जाने वाले श्रद्धालु आते जाते हैं इस मार्ग में। बाबूजी बड़े आके देख रहे हैं, चलेंगे मार्केट के से दिखाएंगे सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा मार्केट हर की पैड़ी के पास, ये गया है भीमगोड़ा की ओर। इधर से भी लोगों की संख्या आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में आ रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आज यहाँ पे, तो अभी रास्ता बंद नहीं किया गया है। अभी जैसे 8 ही बजा है, अभी 9 बजे का रास्ता बंद होगा और फिर आपको पैदल आना पड़ेगा कोतवाली के पास से। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे देख रहे हैं दुकान सजे हुए मिल जाएंगे, जैसे ही घाट से निकलेंगे ऊपर आपको होटल धर्मशाला मिल जाएंगे, सारे सुविधा आपको मिल जाएगा। अगर आप हर की पैड़ी के पास यानी यहाँ पे स्टे करना चाह रहे हैं तो आपको पहले से थोड़ा बुकिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और भीड़ भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे नमामि गंगे।